आज मैं बनाने वाली हूँ टमाटर की सब्ज़ी, वो भी एक नए तरीके से, जिसे मैं सरसों वाली टमाटर की सब्ज़ी बोल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने हाफ के जी टमाटर लिया है, वो भी मीडियम साइज का, और इसके बीच के पार्ट को नहीं निकाला है जिसमें डंटी लगी होती है। तो मैं इसे अच्छे से साफ़ कर ली हूँ, और ये पक्का टमाटर होना चाहिए तभी ये अच्छा बनेगा। मैंने 2 कलियाँ लहसुन की छील ली थी, अब मुझे इसे पीसना है। लहसुन और प्याज, मैंने हाफ प्याज लिया है, और 1 चम्मच में काली मिर्च डाल रही हूँ, और इसे हम पीस लेंगे अच्छे से। और मैं इसमें पीले सरसों का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि पीला सरसों जो है वो कड़वा थोड़ा कम लगता है। तो अब मैं सरसों को भी पीस लूँगी। सरसों को अकेले पीसना है, इसके साथ कुछ भी नहीं पीसेंगे। हल्का सा पानी डेक कर इसी सरसों को हम पीस लेंगे। तो मैंने दोनों मसाले तैयार कर लिए हैं। तो अब गैस पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दे रही हूँ, और मैं थोड़ा सा तेल ज़्यादा लेकर, नॉर्मल सब्ज़ी के लिए जितना तेल लेते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेकर, उसमें टमाटर को हल्का हल्का करके फ्राई करेंगे हम। इसे बीच बीच में चला देना है। इसके ऊपर के पार्ट जो उसकी छिलका जो होती है वो निकलने लगेगी, तो आप समझ जाइएगा कि ये हो चुका है। इसके छिलके को हमें नहीं निकालना है, हमको इसी तरह हल्का हल्का फ्राई करना है। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि सफ़ेद में वाइट वाइट जैसा हो जाएगा, तो हमें निकाल लेना है इसे। तो अब ये हो चुका है, तो मैं इसे किसी प्लेट में निकाल ले रही हूँ एक एक करके। तो ये हो चुका है, अब ये बचे हुए तेल में ही हम इसके मसाले तैयार करेंगे। तो मैं 1 चम्मच राई का दाना, यानी कि सरसों के दाने डाल रही हूँ। ये जब कड़कड़ाने लगेगा तो कस्तूरी मेथी, जो सूखा हुआ मेथी पत्ता है, उसे मैं डालूँगी। अब मैं इसमें 2 बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। प्याज का कलर अब चेंज हो चुका है, तो मैं इसमें 1 पका हुआ टमाटर काट के डालेंगे। ध्यान रखिए, ये टमाटर की सब्ज़ी खट्टी नहीं होती है। टमाटर जब नरम हो जाएगा तो अब इसमें हम नमक डालेंगे। अब इसमें हल्दी हम डाल रहे हैं, इसे भी डाल के हम चला लेंगे। टमाटर जो है वो पूरा अच्छी तरह से नरम हो चुका है। तो अब मैं इसमें सूखी मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, और 1 चम्मच में काश्मीरी मिर्च पाउडर डाली हूँ, ताकि हल्का सा कलर आए। अब मैं इसमें जीरा पाउडर डाल रही हूँ, और जो मैंने मसाले लहसुन प्याज और काली मिर्च का पेस्ट तैयार किया था उसे डाल के चला लूँगी। तो मैं लास्ट में सरसों डालेंगे, पिसा हुआ सरसों डालेंगे। ध्यान रखिए, सरसों को ज़्यादा देर तक बिना पानी के नहीं पकाना है, नहीं तो उसका टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाता है। इसलिए हम सरसों डाल कर तुरंत ही पानी डाल देंगे चला कर। देखिए, हल्का सा उबाल आने लगा है, तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो टमाटर की मसाले जो है वो तैयार हो चुका है, तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे। अब इसे उबाल आने देंगे। ये जो मैंने टमाटर जो फ्राई किया था उसे हम काट लेंगे, बीच से काटेंगे। ध्यान रखिए, चाकू को टमाटर के आर पार नहीं करना है, उसे आधे आध करना है। उसे 4 भागों में काटेंगे ऊपर से, लेकिन पीछे से नहीं कटा रहेगा, जिधर डंठल लगा रहता है। अगर आप पूरा काट देंगे तो ये टमाटर ग्रेवी में जाने के बाद पूरा गल जाएगा। तो इसी तरह करके मैं सभी को कर लेंगे। ये देखिए, मसाले में जो ग्रेवी में जो है उबाल आ गया है,
तो अब उसमें मैं एक एक करके डाल दूंगी। थोड़ी देर इसे उबलने देंगे ताकि टमाटर के अंदर ग्रेवी का टेस्ट ग्रेवी जाए अंदर से। ये टमाटर की सब्ज़ी ज़्यादा खट्टी नहीं होती है। तो ये देखिए इसमें उबाल अब आ चुका है। तो ये टमाटर की सब्ज़ी अब हो चुका है। तो अब लास्ट में हम गरम मसाला डाल रहे हैं एक चम्मच, और अब गैस बंद करके हम धनिया पत्ता डाल दिए हैं। तो ये टमाटर ग्रेवी वाली टमाटर की सब्ज़ी जो है वो तैयार हो गया है। ये चावल के साथ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। आप बनाइए और ट्राई कीजिए।